पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, वैसे कर क्या रहे हम लोग? टाइम पास। अच्छा और ऊंचा चलना है क्या? चलो 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 चलो, नहीं नहीं डरा मत, डरा मत, डरा मत, छेड़ना नहीं है। हाँ निकल पाएगा यहाँ से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज किशन वर्मा और आज हमारे स्कूल का जो टूर है उसका डे टू है और आज हम काफ़ी स्पोर्ट्स जो है वो विजिट करने वाले हैं और सारे बच्चे इतने सुंदर सुंदर लग रहे हैं। खैर मेरे से थोड़ा सा कम है, चलो वो नहीं करते होते। अब हम लोग जो है सारे मिलके देखने वाले हैं कौन सी लेक इंजॉय करोगे। यस सर। ठीक है, उसके बाद चलो चलते थोड़ा और उसके बाद जो है हम लोग कहाँ जाएंगे? रो गार्डन। नहीं नहीं कसौली जाएंगे एक बार। रो गार्डन क्या पता, आते जाते देख ले हम लोग। तो खूब जो आज एंजॉय करने वाले हैं, मस्त रहने वाले हैं, बच्चे खा पी के तैयार हैं। रात को बहुत अच्छी, अभी थोड़ी देर में खाएंगे। रात को सब बच्चों ने बहुत अच्छी नींद जो है वो ले ली थी, तो इनके चेहरे जो है फ्रेश फ्रेश दिख रहे हैं। और ऑब्वियसली नवनीत मैम, प्रिंसिपल मैम और जो भी हमारे टीचर्स हैं, मुझे नाम पता नहीं एक बार सबके, सभी हम लोग जो है वो रेडी हैं और आज फुल जो है मस्ती करने वाले हैं। और साथ में साथ किस में रहने वाले हम लोग? सारे ग्रुप में रहने वाले हैं और एक और चीज में रहने वाले हैं, बताओ कौन सी? सर के नहीं, डिसिप्लिन में रहने वाले हम लोग सारे आज, है ना? सो हाउ इज योर जोश? दैट्स गुड, चलो अब एंजॉय करते हैं, ठीक है? सो अभी मैं अपने सारे बच्चों के साथ पहुंच चुका हूँ सुखना लेक पे। यहाँ पे खूब जो हम लोग एंजॉय करने वाले हैं, वेदर बहुत अच्छा है। बच्चों को सुबह सुबह इसलिए लेके आए हैं कि आज भीड़ जो है थोड़ी क्या मिले, इनको कम मिले, ताकि हर मोमेंट का बच्चे जो है अच्छे से एंजॉय कर सके। तो आज का जो फर्स्ट स्पॉट है सुखना लेक है, वहां पहुंच चुके हैं। आज ज्यादा एनर्जेटिक लग रही है अभी हमारे टीचर सारे। चलिए वेरी गुड। एक बार सारे बच्चे यहाँ इकट्ठे हो जाओ, एक अच्छी सी ग्रुप फोटो करते हैं सबकी और फोटो के बाद फिर आप लोग जैसे भी करें वैसे देख लेना। हाँ हरिओ, चलिए ग्रुप फोटो के लिए ग्रुप बनाइए। चलिए इधर बैठ जाइए, कुछ पीछे खड़े हो जाओ लंबी लंबी हाइट के। मॉर्निंग का टाइम है तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, रश बिल्कुल नहीं है और धुंध की वजह से लेक जो है वो थोड़ी दिखाई नहीं दे रही है, बट ठीक है, फिर भी बच्चे जो है बन बन एंजॉय कर रहे हैं। अभी सुखना लेक के बाद जो सेकंड डेस्टिनेशन है वो हमारा जो है ये पिंजौर गार्डन है। अभी एक बार थोड़ा सा बाहर से आप लोग देख लीजिए और उसके बाद आप इसको अंदर जाके अच्छे से विजिट करने वाले हैं।
और अकेला नहीं, मैं आप सबको विजिट कराऊंगा। नहीं, ये रॉक गार्डन ही बेटा, ये जो है हमारा पिंचोर गार्डन है और एक बड़ा हिस्टोरिकल सा गार्डन है, तो हम लोग ऐसे समझ लो कि एक हिस्टोरिकल बगीचे में क्या करने वाले हैं, जाने वाले, ठीक है। सो अब ऐसे बहुत बड़ा बगीचा है, तो खूब मत जाना, मेरे साथ रहना, बस फोटो खिंचवानी है कलर कलर से, समझ गए। ठीक है, कितने जने हो? सात ही हैं। हम लोग चाहें तो विदेशी भी ले सकते हैं हमारे ग्रुप। अपने साथ का ये ठीक है, ये हमारे ग्रुप में अलग अलग ग्रुप साथ है, प्यारा सा बेटा है ना, दूसरा ग्रुप। बच्चों को एक बार हल्का फुल्का सा नाश्ता कराया, क्योंकि जो अच्छे वाला नाश्ता है वो बनने में टाइम लगेगा। तो हमने भी कोल्ड ड्रिंक पी है और चाय पी है, चाय नहीं सॉरी कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट खाए हैं, और अब हम चल रहे हैं मैम के साथ पिंजौर गार्डन। सो अभी हमारी जो एंट्री हो गई है अब पिंजौर गार्डन में, और बड़ा ही सुंदर सा जो है ये गार्डन है, और स्पेशल अट्रैक्शन है चंडीगढ़ में, जब भी आते हैं तो पिंजौर गार्डन जो होती है वो एक खास अट्रैक्शन रहती है। और अब इस पिंजौर गार्डन के अंदर हम लोग हैं, सियोक जो है वो पिंजौर गार्डन के अंदर है, और इतनी खूबसूरती जो है वो मतलब नेचर की ब्यूटी आप लोग इस गार्डन में देख सकते हो। हालांकि ह्यूमन के द्वारा इस सबको प्रिपेयर किया गया, बट जो नेचुरल चीजें होती है वो सुंदरता को कितना बढ़ा देती है वो आप लोग देखेंगे। अब हम लोग अंदर जाएंगे, ये है यहाँ का शीश महल जो एंट्रेंस मानी जाती है, आगे बहुत सारी चीजें जो हमारे देखने लायक है। लगभग हर जो पॉइंट है
वो ऐसे फील करता है कि यहाँ फोटो खिंचवा ले वहाँ फोटो खिंचवा ले, है कि नहीं? तो फोटो खिंचवाते खिंचवाते चोर गार्डन की वो देखते ही बनती है, कितना सुंदर जो है हर तरीके से जो मेंटेन करके इन चीजों को जो तैयार किया गया है वो एक खास मायने रखता है। सो ब्यूटी ऑफ द नेचर विद द ह्यूमन मसाला आप लोग कह सकते हो। हालांकि 12 बजे मिल रहे हैं लेकिन बच्चों को फिलहाल सुबह से टाइम मिला नहीं और 12:30 हो गए। नाश्ते के लिए अभी हम लोगों ने रोका है, नाश्ता कम लंच ये दोनों एक साथ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सुबह हम लोगों ने कुछ जो था हल्की फुल्की रिफ्रेशमेंट ले ली थी और बड़े ही शानदार से मतलब जो व्यू पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे रुके हैं और अब हम लोग नाश्ता और लंच दोनों एक साथ इंजॉय करेंगे। वो भी थोड़ा सा सिंगल बराबर में वन भी है और बस जो है वो काफी लंबी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि मतलब इतनी बड़ी बस जो टर्न है वो बड़ा ही शार्प सा टर्न है और उतना ही यहाँ पे जो है ट्रैफिक आप लोग देख सकते हैं और चलना है। एट दिस मोमेंट ये जो मौसम है वो है कसौली के अंदर, सिवाय बादलों के, हम कहते हैं ना कि बादल आसमान में लेकिन अब बादलों के ऊपर है बिल्कुल। अब ये जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है वो महसूस कर सकते हो। वन वे जो है और बस यहाँ फिलहाल स्टक है, सारे बच्चे बस में बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से यहाँ पे ये साफ हो और हम लोग निकले, लेकिन चूंकि वन वे है काफी सारी गाड़ियाँ आके खड़ी है, यहाँ से निकलना भी है, बच्चे हाय हेलो कर रहे हैं। बहुत लंबे सफर के बाद फाइनली हम लोग कसौली पहुंच चुके और यहाँ का माहौल आप लोग देख सकते हो, सर्दियों में जिस तरीके से हमारे हिसार में धुंध होती है थोड़ा कुछ दिखाई देता, सेम जैसा माहौल है पहाड़ों के ऊपर, इतनी ऊंचाई पे हम लोग हैं। बच्चे सोच के नहीं आए थे कि इतनी ठंडी यहाँ पे होगी, बट देखते हैं आने के बाद इनका जोश, देखते हैं कैसा ये लोग यहाँ फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं। अभी काफी 2-3 किलोमीटर में लंबा पैदल चलना है सर, तो जनवरी फरवरी में देखते हम लोग अनम बादलों में कुछ बच्चे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि बादल है, बादल भी है बेटा, धुंध है बादल तो अभी बताओ कैसा फील कर रहे हो? बताए खड़े चीज तो पहले से देख बताएगा। फिर से मुझे हमेशा की तरह टास्क मिली है इस धुंध भरे रास्तों पे इन कम से कम 50 बच्चों को कसौली का मार्केट दिखाना है, मंकी टेंपल। मुझे नहीं लगता कि मौसम इतना अच्छा है कि हमें वहां जाना चाहिए, खैर देखते हैं बाकी सबका डिसीजन क्या होता है। और बरसात का मौसम बन चुका है, अभी यहाँ आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है लेकिन दूर अगर आप देखोगे तो सिवाय धुंध के हाँ कुछ नहीं दिखाई देगा। तो चल रहे हैं और मार्केट विजिट करेंगे,
पीछे दूर तक बच्चे हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे, वजह साफ है, मौसम साफ नहीं है। वो क्या बोलते हैं, काफी मजा जो है आज इस मौसम में आ रहा है बच्चों को, क्योंकि इन्होंने ये शिवम तू खास ध्यान रखना ब्रेक का तेरे, ठीक है, क्योंकि ट्रक के ब्रेक इधर हो जाओ, आगे गाड़ियां हैं तो भैया ध्यान से चलना। अपनी फीलिंग्स अपने मुस्कुराहटों के साथ बताते चलिए, ऐसे 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 ऐसे, हाँ मजा आ रहा ना। पहाड़ों की एक खास बात होती है, बच्चे शो करते हैं दैट वी हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी, लेकिन जब असलियत सामने आती है तो उनके क्या हाल होते हैं। आप लोग इनकी झुकी हुई कमर से अंदाजा लगा सकते हैं, इनके लड़खड़ाते कदमों से अंदाजा लगा सकते हैं, और मेरे चढ़े हुए सांसों से अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ अभी तो हुआ क्या, चलते चलो पता चलेगा। काफी लंबी चढ़ाई के बाद, काफी लंबे सफर के बाद थकते हुए पसीने आते हुए आखिर हम लोग जो है सनसेट पॉइंट पहुंच चुके हैं। यहाँ जो है मतलब काफी सुना था बच्चों ने कि सनसेट पॉइंट, और अब फाइनली पहुंच गए और अब देखते हैं सनसेट पॉइंट।
जिंदगी एक सफर है सुहाना, किसने जाना। तो 5G की स्पीड से हमने सन को सेट कर दिया और अभी हम लोग जा रहे हैं कसौली की मार्केट की तरफ। मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, बाकी बच्चों का पता नहीं। ठंड नहीं है? हाँ बिल्कुल, मजाक नहीं है आपको? बस नहीं रहेंगे। वेदर बहुत प्लेजेंट है। हाँ वेदर बहुत अच्छा है, मजा आ गया। ये हमें हिसार में लगभग 4-3 महीने बाद देखने को मिलेगा मैडम, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जाके लगभग। हाँ ऐसा नहीं होती बेटा, ना बिल्कुल नहीं होगी। मजे बहुत आ रहे हैं, मजे बहुत ज्यादा आ रहे। काफी देर के उतार चढ़ाव के बाद फाइनली हम लोग वापस मार्केट के पास पहुंच गए हैं और अब मुझे तो बस चाय माता का इंतजार है। चाय पीनी मुझे तो एक मैम। नवनीत मैम चाय, नवनीत मैम चाय। चाय अभी पीवाते हैं। थैंक यू मैम। चाय पीने से अकेले अच्छा नहीं होता। आपको क्या पता बेटा, जब बड़े हो गए तब पता चलेगा, बिना चाय के कुछ नहीं होता। ग्रीन टी लेनी चाहिए वैसे। अच्छा और ऊंचा चल रहा है क्या? सब बच्चों को आने के लिए चाहिए। बैठ जाओ। सो एक मिनट, सुबह से यहाँ पे अभी किस लिए सुबह चले थे और अब शाम होने को है। पहले बताओ कितने मजे आए, आगे आ जाओगे गाड़ी आ? बहुत थोड़े ज्यादा। अपने अपने व्यूज दो, कितने मजे आए बेटा? बहुत आए, मजे तो बहुत आए। अभी हम लोग जो ऊपर चढ़े उसे एक बात साबित हो जाती है कि हम लोग वॉकिंग बहुत कम करते हैं ना। हाँ। तो जितनी ज्यादा वॉकिंग करोगे उतना ज्यादा सेहत के लिए क्या होगा? बढ़िया होगा। तो क्या आप रोज सुबह उठोगे? यस सर। जल्दी उठोगे? यस सर। घूमने जाओगे? यस सर। चार नो आइए, किसके नो कहिए और को बताओ पहले। क्या सर? ये किस बात की बात कर रही? पीछे हो जाओ, व्यूज ले रहे हैं, व्यूज ले रहे हैं। क्या कह रहे हो? पीछे आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, घुस जाओ। हाँ सुनो, देखो इतने जने आते नहीं रहे सर। हम लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके हैं, सभी हमें देख रहे हैं। पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे कर क्या रहे हैं हम लोग? टाइम पास। हम लोग टाइम पास कर रहे हैं और सारे हमें देख रहे हैं। देखो घुमा के देखो, सारे देख रहे हैं ना। घुमाओ क्या कैमरा, घुमा दे वीडियो। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए सेंटर में बैठना पड़ता है, पता है? सर हम सेंटर पे बैठ के हम सबको पता चल गया हम लोग बकवास कर रहे हैं, कोई नहीं दिख रहा। देखो चलो आगे के सारे बच्चे, सारे बच्चे दिखाते जितने बैठे हैं। बहुत है, अभी सारे नहीं आए। सबको चलिए अभी चलते हैं। बच्चों को कसौली की मार्केट विजिट करा दी है और अब जातक सारों के चेहरे साफ बता रहे कि ये बस चाहते हैं जल्दी से बस में पहुंच जाएं, पर ये बस तक का सफर भी इनके लिए आसान नहीं होने वाला। ये बार बार मंकी टेंपल कह रही है, एक बार नजर घुमा के देख, चारों तरफ मंकी मंकी है। अभी हम लोग बस की तरफ जो है रवाना हो रहे, तो एक बार वेट करना, मुझे रोड का पता नहीं है, मैं पता करूंगा पहले, ठीक है? वो सीधा